साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। ऐसा रूप है नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कमल जैसे उसके लोचन है। कंज माने कमल, और उस पुरुष ने पूछा कि मैं कौन हूं और आप कौन हैं। शिव शक्ति सामने खड़े थे, मुझे बताइए मेरा अपना परिचय और किसने मुझे ये यहां उत्पन्न किया है, मैं अस्तित्व में कैसे आया। तब शंकर जी ने कहा, मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है और तुम्हारा नाम विष्णु है। मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, तुम्हारा नाम विष्णु रखता हूं और तुम्हें काम भी बताता हूं कि तुम्हें करना क्या है। ये जो कथा हम लोग सुन रहे हैं, ये कथा शिव पुराण के आधार पर है। और मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि किसी पुराण की कथा को सुनकर, या बहुत सारे ग्रंथ हैं, अन्य अन्य कथाएं और भी हैं, उन सबको पढ़कर सुनकर मन में ये वहम पैदा ना हो जाए कि कौन छोटे हैं और कौन बड़े हैं, कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है। क्योंकि जब आप विष्णु पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है कि विष्णु जी ने ही उत्पन्न किया सबको, और जब ब्रह्म पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सबके जनेता ब्रह्मा ही है और सबको ब्रह्मा ने ही उत्पन्न किया है। और शिव पुराण को हम देख ही रहे हैं कि इसमें शंकर जी ने सबको उत्पन्न किया है। तो माजरा क्या है, किसने किसको उत्पन्न किया है, समझ नहीं आएगा। लेकिन एक बात है कि ये सब कुछ भगवान की एक लीला है। जैसे इसी दुनिया में व्यक्ति आता है, जन्म लेता है, धीरे धीरे वो अलग अलग रूप में आ जाता है। जो पुत्र है वो धीरे धीरे पिता बनने की योग्यता भी रख लेता है। कभी वो पुत्र था, बच्चा था, उसका कोई पिता था, लेकिन वो किसी का पिता बनने के योग्य नहीं था, इतनी क्षमता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी पात्रता बदलती है, वो भी किसी का पिता बन जाता है, उसका भी कोई पुत्र हो जाता है। एक ही व्यक्ति कभी पति भी होता है, कभी पिता भी होता है, कभी पुत्र भी होता है, कभी भाई भी होता है किसी का। तो ऐसे व्यक्ति तो एक ही होता है, लेकिन उसके अलग अलग एंगल से उसको अलग अलग रूप में हम पहचानते हैं। वैसा ही आपको समझ के चलना है कि ये भगवान की लीला है, जिसमें परमात्मा भी अलग 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 लीला में अलग अलग पात्र निभा रहे हैं। तो यहां शंकर जी पैदा करते हैं विष्णु जी को और बोलते हैं तुम्हारा नाम विष्णु। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिसकी जिसमें श्रद्धा है उसकी श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। वेदव्यास जी ने शिव पुराण की रचना की ऐसे श्लोकों में, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि मेरा उद्देश्य किसी को भ्रम में डालना नहीं है, मेरा उद्देश्य तो सबको एक भगवान की ओर ले जाना है, मंजिल तक पहुंचाना है। इसलिए कोई विष्णु को मानते हो कि राम जी को कि कृष्ण जी को मानते हो, तो बस मानना, शिव पुराण सुनना, लेकिन अपना जो इष्ट है उसको मानना। और जो शिव जी को मानते हो तो शिव पुराण सुनने के बाद में अगर कहीं मन में भ्रम भी हो तो निकाल देना और जितना मानते हो उससे ज्यादा मानना शुरू कर देना। लेकिन भटकना मत, क्योंकि ताकत सबकी बराबर है। जिसकी जिसमें श्रद्धा होती, ये श्रद्धा जब जगती है ना तो किसी के कहने से नहीं जगती है कि भाई तो उसी को ही मान, मैं कहता हूं, नहीं नहीं, जानो, पहचानो, देखो, फिर ऑटोमेटिक आपकी अंतरात्मा कहेगी हमको उनसे प्यार है, तो बस वो जिससे हो जावे वो बेड़ा पार लगा देगा। वो राम जी भी हो सकते हैं, वो विष्णु जी हो सकते हैं, वो कृष्ण जी हो सकते हैं, वो शंकर जी भी हो सकते हैं।
तो विष्णु भगवान को प्रकट किया और शिव जी ने कहा कि विष्णु जी आपको एक काम करना है। विष्णु जी ने कहा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, बोलो क्या करना है। बोले इस दुनिया में देखो, दुनिया का सृजन करना है उसके लिए आप पहले तो तपस्या करो और बहुत सारी शक्ति इकट्ठी करो तपस्या के माध्यम से। फिर दुनिया बनानी है, दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे आपको देनी है, और तुम्हारी खूब कथाएं होगी, तुम्हारे खूब नाम होंगे, और नाम हुए भी हैं। विष्णु भगवान के कितने नाम हैं, विष्णु शास्त्र नाम आता है, एक संस्कृत का स्तोत्र है विष्णु शास्त्र नाम, उसमें विष्णु जी के हजार नाम है, 1000 नाम विष्णु भगवान के। और शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे ऐसे नाम होंगे, 1000 नाम हो जाएंगे, तुम्हारी खूब कथाएं होगी, तुम्हारा खूब नाम होगा। और जैसे विष्णु शास्त्र नाम है वैसे ही शिव शास्त्र नाम भी है, आप देखना, मतलब शिव जी के 1000 नाम। तो कहते हैं कि विष्णु शास्त्र नाम में शिव जी का आशीर्वाद है और शिव शास्त्र नाम में विष्णु भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत निकट हैं, एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बनती है इनको, इसलिए ये उनकी महिमा बढ़ाते हैं, ये उनकी महिमा बढ़ाते हैं। और विष्णु जी तो शंकर जी के इतने भक्त हुए कि वे रोज भगवान शंकर जी की पूजा करते थे, अभिषेक करते थे शंकर जी के शिवलिंग का। और अभिषेक भी ऐसा वैसा नहीं, बड़ा विधि विधान से बड़ी लंबी पूजा होती थी उनकी, क्योंकि उनका नियम क्या था आपको मालूम है, 1000 शिव जी के नाम लेकर के 1000 कमल पुष्प भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाना, मंत्र के साथ, नाम के साथ। ओम शांताय नमः एक कमल पुष्प चढ़ाया, ओम अघोराय नमः दूसरा कमल पुष्प चढ़ाया, ओम तत्पुरुषाय नमः तीसरा कमल पुष्प चढ़ाया, ओम शिवाय नमः चौथा कमल पुष्प चढ़ा। ये ऐसे नाम है शंकर जी के 1000, और पूजा करना। कहना बहुत सरल है, सुनना भी अच्छा लगता है ऐसी कथाओं को, हाँ हाँ शंकर जी की महिमा, विष्णु जी की महिमा हमने सुनी, लेकिन इसे करना बहुत मुश्किल है। समय चाहिए, श्रद्धा चाहिए, और साधन भी चाहिए, 1000 कमल के पुष्प भी चाहिए। और पुष्प तो मिल जाएंगे, लेके भी आ जाएंगे, लेकिन चढ़ाने के लिए श्रद्धा कहाँ से आएगी? और श्रद्धा अगर है तो कई लोग एडजस्टमेंट ही करते हैं खाली, बोले श्रद्धा तो है लेकिन समय नहीं है, तो बस मन से मान लिया, हो गया, बस मानते हैं हम। तो कई बार समय नहीं होता है इसलिए लोग बस सोचते हैं हाँ हो गया। लेकिन विष्णु भगवान का तो नियम था 1000 नाम लेना है तो एक एक नाम के साथ 1000 ये कमल पुष्प चढ़ाने। शंकर भगवान ने एक दिन परीक्षा लेने की सोची विष्णु भगवान की, देखते हैं भक्त कैसा है, सच्चा है कि कच्चा है कि पक्का है कि कैसा है, देख तो लें। भगवान परीक्षा भी लेता है, और जो बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, बहुत ज्यादा निकट हो जाते हैं भगवान के, ऐसे लोगों की भगवान ज्यादा परीक्षा लेता है। आप देखना इतिहास उठा करके, कथाओं में शास्त्रों में उदाहरण मिलेंगे आपको। परमात्मा के बिल्कुल नजदीक जाने की तैयारी होगी कि हाँ अब तो मिलने ही वाले हैं, बस उनका धाम नजर निकट ही है, तब भगवान कुछ ऐसा करेगा कि जबरदस्त झटका देगा। और उसमें अगर श्रद्धा टूट गई, अगर हम कमजोर पड़ गए, तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, लेकिन अगर मजबूती से बने रहे तो अगले कदम पे भगवान मिल जाएंगे। बस इतना ही फर्क होता है, वो एक झटका तो भगवान देता ही है, लेकिन वो आम आदमी को नहीं देता, वो खास आदमी को देता है, जो उनका खास भक्त है उनको देता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, लोग कई प्रश्न भी उठाते हैं, शिकायत भी करते हैं, महाराज
हमारी जितनी तो कोई माला भी नहीं फेरता होगा हमारे घर में। इतनी भक्ति करते हैं हम भगवान की, इतना मानते हैं हम भगवान को, लेकिन भगवान को भी पता नहीं क्या है, सब दुख हमको ही देता है, सबसे ज्यादा परेशानी भी हमको ही होती है। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूं, आपको सटीक बैठेगा, समझ में आएगा। मां एक महिला कॉलोनी में गली में खेल रहे हैं बच्चे, उसका भी बच्चा खेल रहा है और भी उस बच्चों के जो दोस्त हैं वो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। तभी वो बच्चे की मां निकलती है और उसके घर में जो मिठाई थी वो सब बच्चों को बांटती है और सब बच्चों को वो देती है, दे सकती है ना, बच्चों पे प्यार आया, दे दिया भाई, ठीक है लो बेटो लो खाओ बच्चों, देती है, बच्चे मिठाई खाते हैं। वो मिठाई सबको देना चाहती है, दे सकती है, मगर अब वो थप्पड़ मारना चाहती है, तो क्या वो सब बच्चों को मार सकती है या अपने बच्चे को ही मार सकती है? उसका अधिकार किस पे है? केवल अपने बच्चे पे है। अगर गलती किया है तो वो अपने बच्चे को डांट सकती है, अपने बच्चे को मार भी सकती है, अपने बच्चों को थोड़ी सजा भी दे सकती है, लेकिन दूसरे बच्चों को सजा नहीं दे सकती। दूसरे बच्चों को सजा देवे तो उसको सजा मिल जावे। अमेरिका के अंदर तो ऐसा कानून है कि अपने बच्चे को भी सजा नहीं दे सकते आप। वहां पे ऐसा कानून बना हुआ है कि अगर माँ बाप ज्यादा कुछ बोल दें बच्चे को तो बच्चा शिकायत भी कर सकता है पुलिस में जाकर। भारत में है ना, तो अच्छा है। और यही सिद्धांत भगवान पे भी लागू होता है। मैं कहना ये चाहता हूं, मेरा उद्देश्य आपको इधर उधर ले जाना नहीं, लेकिन उद्देश्य मुझे ये समझाना है कि परमात्मा खुशी तो सबको देता है लेकिन दुख केवल अपने बच्चे को ही देता है। परीक्षा वो अपने ही भक्त की लेता है, जो बहुत करीब है ना भगवान के, जो बहुत निकट है भगवान के, भगवान उसको थोड़ा तपा सकता है कि देखें तो सही जरा सच्चा है कि कच्चा है। इसलिए घबराना मत, दुख आ जाए कभी परेशानी आ जाए तो, ताऊं तपाऊं तन पे पाड़ू तेल, तन की काढ़ू खाल, और इतने में भी अगर न हारे तो मैं उसे कर दूं निहाल। ये भगवान का नियम है, ये उसका संकल्प है। तो शंकर भगवान ने सोचा कि ये विष्णु जी का तो बड़ा नाम है, लेकिन परीक्षा तो लेके देखें कि कैसे हैं, अंदर से पावर कितना है। तो एक दिन शंकर भगवान ने एक कमल पुष्प जो था वो ले लिया, और बहुत सारे, वो तो हजार गिनती के रखते थे भगवान विष्णु, बहुत सारे पड़े थे, एक शंकर जी ने ले लिया। विष्णु भगवान पूजा में थे, शिवलिंग रखा था और वो पूजा कर रहे थे। 999 नाम उन्होंने बोले और 999 कमल पुष्प भी उन्होंने शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ाए, लेकिन अब बारी आई 1000 नाम की, तो मुंह से 1000 नाम तो बोल दिया, उधर देखा तो कमल नहीं है। और विष्णु भगवान को लगा कि मैं बरसों से पूजा करता हूं, मैंने कभी नियम तोड़ा नहीं है, आज नियम टूट जाएगा क्या? क्या बात है, और मैं तो गिन के लाया था 1000 पूरे थे, आज ये कैसे हो गया? तो भगवान विष्णु जी विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। एक तो पूजा का नियम भी ऐसा है कि बीच में उठ नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, मंत्र के अलावा कुछ और नहीं, तो मंगा भी नहीं सकते दूसरा कमल पुष्प और जाकर बगीचे से तोड़ के ला नहीं सकते, क्या करें? और शंकर भगवान तो देख ही रहे थे कि अब देखते हैं कि विष्णु जी क्या करते हैं, ये नियम तोड़ते हैं या फिर नियम निभाते हैं, बस यही था एग्जाम, इतना ही था। और थोड़ी देर तो विष्णु भगवान थोड़े से विचलित हुए, लेकिन उसी वक्त विष्णु भगवान ने कहा, अरे हाँ,
कमल पुष्प नहीं है वो सरोवर वाला तो क्या हुआ, परंतु मेरे पास में तो दो दो कमल पुष्प हैं, दो कमल मेरे पास में हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ही तो राम जी बने थे, वही विष्णु कृष्ण जी बने थे, और विष्णु जी राम जी बने तो रामचरितमानस में खुला प्रमाण है। और माँ कौशल्या राम जी को कहती थी, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजर सुखदायक। वो हमेशा राम जी को राजीव नयन कहती थी, और राजीव किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं, और नयन किसको बोलते हैं, आंखों को बोलते हैं, कि हे राम तुम्हारे ये नयन कमल नयन हैं, कमल के जैसे हैं। विष्णु भगवान को लगा कि वो कमल नहीं है तो क्या हुआ, नयन रूपी दो दो कमल मेरे पास में है और मुझे जरूरत तो एक की ही है, एक ही तो चढ़ाना है और मेरी साधना मेरी भक्ति पूजा पूरी हो जाएगी, ये अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। तो उसी वक्त भगवान विष्णु अपना कमल नयन शंकर भगवान को चढ़ा देते हैं और 1000 कमलों का जो नियम है वो पूरा कर देते हैं। और जैसे ही विष्णु भगवान ने अपना एक कमल नेत्र निकाल उसकी बलि उसकी कुर्बानी दी है, शंकर भगवान को जैसे ही चढ़ाया है, उसी वक्त सज्जनों त्रिशूलधारी त्रिलोचन दस भुजाधारी महादेव प्रकट हो गए और शंकर भगवान विष्णु से बोले, विष्णु मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, आज मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम परीक्षा में पास हो गए। शंकर जी वो कमल पुष्प लेके आए, खुद ही लेके गए थे, वो लेके आए विष्णु जी को दिया, बोले ये रहा 1000वां कमल पुष्प, करो मेरी पूजा और मैं तुम्हें वापस तुम्हारा नयन कमल लौटा देता हूँ। तब वापस शंकर जी ने विष्णु जी को कमल नयन लौटा दिया और फिर शंकर जी ने कहा, बोलो विष्णु तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी इस श्रद्धा से तुम्हारी इस कुर्बानी से बहुत गदगदित हूँ, इसलिए वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। विष्णु जी ने कहा, शिव जी देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो, मैं धर्म को बचाना चाहता हूँ, भक्तों की रक्षा करना चाहता हूँ, और जो दुष्ट लोग हैं आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं और अधर्म बढ़ाते हैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ, खत्म मीन्स उनका भी उद्धार करना चाहता हूँ, पाप नहीं लेना चाहता उनको मार के, उनकी मुक्ति हो जाए, उसके लिए मुझे ऐसा शस्त्र दे दीजिएगा जिससे कि धर्म बच जाए और अधर्मी लोगों मुक्त हो जाए। तब शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को एक चक्र दिया था और कहा कि ये चक्र ऐसा है जो तुम्हारी मर्जी से चलेगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा, और जिस पर चलेगा वो मरेगा, लेकिन न केवल मरेगा वो इस दुनिया से तरेगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी, और उस चक्र का नाम है सुदर्शन चक्र, बहुत प्रसिद्ध ये है। तो वो सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान को शंकर जी ने दिया था, जैसे गांडीव धनुष प्रसिद्ध है अर्जुन का, वैसे सुदर्शन चक्र प्रसिद्ध है भगवान विष्णु का, लेकिन दिया हुआ शंकर जी का है। तो इतने बड़े भक्त हुए विष्णु भगवान शंकर जी के, और शंकर भगवान भी विष्णु भगवान को बहुत मानते हैं, आगे आएगी कथा आएगी तब आपको पता चलेगा कि शंकर जी भी कितना आदर देते हैं विष्णु भगवान को। आज शंकर जी ने विष्णु भगवान से कहा, विष्णु तुम्हें मैं काम देता हूँ, जाओ और तपस्या करो। तो विष्णु भगवान तपस्या करने लगे, कहते हैं 12,000 साल तक उन्होंने तप किया, और इतना गजब का तप किया कि पसीना निकलने लगा उनके शरीर से, इतनी गर्मी हो गई थी, और वो पसीना इतना निकला कि उसकी एक नदी बन गई थी, तो वो खुद उसमें डूब गए,
और जब शंकर जी ने देखा कि अब इनकी तपस्या पूरी हो गई है तब उन्होंने उनको जल से बाहर निकाला, इसीलिए विष्णु भगवान का एक नाम हो गया नारायण। नारम अयनस्य यस्य सह नारायण। नार संस्कृत में कहते हैं पानी को, जल को। अयन कहते हैं घर को, भवन को। पानी में जिसने अपना भवन बना लिया है उसी का नाम नारायण है। नार अयन, नार प्लस अयन, नारायण। तो उनको जल से बाहर निकाला, नारायण नाम पड़ा और फिर विष्णु भगवान के माध्यम से उन्होंने एक और उत्पत्ति की। शंकर जी और शक्ति ने इस बार बाईं ओर दृष्टि डाली तो विष्णु भगवान की नाभि से एक कमल का फूल निकला और उस कमल के फूल पर चार मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए और शिव जी तो हैं ही। शिव जी ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी तुम भी तपस्या करो। तो इन्होंने भी तपस्या की और तपस्या के बाद कहा कि अब इस सृष्टि का सृजन करो, दुनिया बनाओ, मैं चाहता हूं। तब ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाना शुरू किया शिव जी के आदेश से। लेकिन उन्होंने बनाया तो क्या बनाया दुनिया में, अंडज, स्वेदज, जरायुज, स्थावर, जंगम, इस प्रकार की सृष्टि उन्होंने बनाई। और वो बनाते 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 एक दिन बहुत परेशान से हो गए, इतने परेशान हुए कि रोने लग गए कि ये कोई मतलब है, ऐसा काम दे दिया है शिव जी ने कि ये सृष्टि बनाना बहुत भारी काम है। क्योंकि उस वक्त क्या होता था, सृष्टि ऐसे नहीं बनती थी जैसे आज बनती है। पहले सब आह्वान होता था, ये होता था, मानसिक रूप से सृष्टि ऐसे आगे बढ़ती थी जिसमें बहुत साधना चाहिए थी। वो ब्रह्मा जी परेशान हो गए और उन्होंने कहा ये नहीं होगा मेरे से, रोने लगे शिव जी को याद करके। जब बहुत रोए तो सुनना ध्यान से, जब बहुत रोए तो उनकी रोने की वजह से भगवान शंकर आर्द्र हो गए, यानी पिघल गए, क्या हो गया मेरे भक्त को। और वहां पर वो उस वक्त उनके रुदन से प्रकट हुए आर्द्र होकर, इसलिए उनका नाम पड़ा रुद्र, जो शंकर जी का ही नाम है रुद्र। लेकिन ये रुद्र नाम ऐसे पड़ा, जैसे गुरु शब्द है तो उसका अर्थ है गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वैसे ही रुद्र शब्द का अर्थ है रु माने प्रकाश और द्र मीन्स द्रवित होना, जो भक्तों के दुखों को देख कर के द्रवित हो जाता है और आकर के उनको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसका नाम है रुद्र। ये रुद्र का अर्थ है। तो रुद्र भगवान प्रकट हुए और कहा ब्रह्मा जी रोते क्यों हो, क्या बात है। ब्रह्मा जी ने अपनी तकलीफ बता दी कि मैं ये सृष्टि नहीं कर सकता प्रभु, मुझसे नहीं होगा, आप अगर सृष्टि करवाना चाहते हैं मुझसे तो सृष्टि का काम सरल करिएगा, थोड़ा इजी करो, ये बहुत मुश्किल है। तब रुद्र भगवान ने कहा ठीक है तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हारा काम सरल किए देता हूँ, तुम क्या चाहते हो। बोले मैं ये चाहता हूँ कि सब कुछ मुझे मत सौंपो, इतना लंबा चौड़ा सृष्टि का काम है किसी को कुछ सौंप दो, सब काम मुझे मत सौंपो और मुझे जो आपने काम दिया है उसमें भी थोड़ा सरल करो। ठीक है। तब शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मा आंखें बंद करो। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद में कहा कि अब तुम आंखें खोल दो। और जब आंखें खोली तब ब्रह्मा जी ने देखा तो एक अलग ही रूप शंकर जी का है, अर्ध नारीश्वर रूप महादेव जी का दिखाई दिया, आधे अंग में शक्ति आधे अंग में शिव। ब्रह्मा बोले ये क्या है। बोले इसी को अर्ध नारीश्वर रूप बोलते हैं, आज के बाद आपको सृष्टि में तकलीफ नहीं पड़ेगी क्योंकि अब तक जो थी वो मानसिक सृष्टि थी, लेकिन अब से जो होगी वो मैथुनी सृष्टि होगी।
जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने आप ही आकर्षण एक दूसरे के प्रति बढ़कर के स्त्री पुरुष से सृष्टि उत्पन्न होगी। तो ब्रह्मा जी बोले, ये तो ठीक है, मेरा काम तो हल्का हो गया, लेकिन इसका ये इनको कौन करेगा, इनको संभालेगा कौन? तब विष्णु भगवान को बुलाया और शंकर जी ने कहा, मैंने तुम्हें विष्णु इसीलिए उत्पन्न किया है कि सृजन ब्रह्मा के माध्यम से हो रहा है तो पालन तुम्हारे माध्यम से होगा। और तब विष्णु भगवान को सृष्टि के पालन का काम दिया गया। लेकिन इन दोनों ने प्रार्थना की, हमें आपकी शक्ति, आपका आशीर्वाद तो हमेशा ही चाहिए। अगर ऐसे ही सृष्टि बढ़ती रही और कभी कोई तकलीफ आ गई तो मैनेज कैसे होगा? तब शिवजी ने कहा, मैं स्वयं उसका मैनेज करूंगा और वो महेश के रूप में करूंगा। जब ये सृष्टि बहुत बढ़ जाएगी और तुम्हारे तुमसे जब नहीं होगा, ये सब कुछ संभलेगा नहीं, तब मुझे याद करना, मैं महेश के रूप में सहार का काम करूंगा जिससे ये संतुलन बना रहेगा। इसलिए ये तीनों देव माने गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और ये तीनों ने अपना अपना काम ले लिया। और लोग कहते हैं कि शंकर भगवान तो खाली नाश करते हैं, खाली विनाश के देव हैं। वो विनाश के देव नहीं है, हकीकत तो यह है कि वो विकास के देव हैं, क्योंकि शंकर भगवान ने ही सृष्टि का सृजन करवाया है, उन्होंने ही उसका पालन करवाया है, लेकिन विनाश नहीं है। जब जब लोग अधर्म प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जब जब इस धरती पर दुष्ट आत्माएं, असुर आत्माएं बढ़ जाती हैं, तो उनका सहार इसलिए जरूरी है ताकि भक्तों की रक्षा हो सके, धर्म को बचाया जा सके। इसीलिए शंकर भगवान उन असुरों का सहार करते हैं, वो भक्तों का सहार कभी नहीं करते। वो अपने भक्तों का, जो उनको मानते हैं, पूछते हैं, जो अच्छे लोग हैं, धर्म पर चलते हैं, वो उनको तकलीफ नहीं देते, वो केवल असुर लोगों को मारते हैं ताकि धरती का थोड़ा भार कम हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो विश्लेषक कहते हैं कि ये सब कुछ तो है, सब है, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, लेकिन हकीकत ये है, सबके हाथ में, सबका जो ऑपरेट, जो 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 संचालन है, वो सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, मेन स्विच तो भगवान के हाथ में है, तो कभी न कभी भगवान ही वो स्विच दबाता होगा और सब एक साथ ऐसा होता है कि बैलेंस हो जाता है, कभी कोई कुछ होता है। तो शंकर भगवान ने ये जिम्मा उठाया। इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपना अपना काम करने लगे। जरूरी भी है, अगर सृजन जरूरी है तो सहार भी जरूरी है। आप देखते हैं, एक पेड़ हरा भरा होता है, उसको फूल लगते हैं, फल लगते हैं, पत्तियां लगती हैं, मगर एक समय उसका भी आता है जब पतझड़ का समय आ जाता है तो सब कुछ उसका छिन जाता है, चला जाता है, और फिर जब नया सृजन होता है तो फ्रेश पत्तियां, फ्रेश फल, फ्रेश फूल, बिल्कुल ताजे ताजे उस पर लगते हैं। इसीलिए भगवान सृष्टि के सृजन के साथ सहार का काम भी करते हैं। साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।